वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माई ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो अपने प्रश्नावली 11.1 चल रही थी, इसके 8 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 9 से। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है ये क्या है, तो आज इसके जो प्रश्न है और कुछ एक उदाहरण अपन करेंगे, बाकी जो उदाहरण रह जाएंगे उसको अपन कल के वीडियो लेक्चर में हल कर लेंगे। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन है ये इस प्रकार से दे रखा है कि निर्देशी अक्ष हो। निर्देशी अक्ष का मतलब अक्ष अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, और रेखा है एक से परिबद्ध क्षेत्र, जो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पूरा लिखना है, मैंने क्यों शॉर्ट में लिखा है, परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे परिबद्ध किससे, निर्देशी अक्षों से, और इस रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन किसका भाई, 90 का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रेखा बनाता हूं, अक्ष बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 2। यदि ये रेखा है तो आपको ध्यान होगा कि इसका अंतःखंड रूप क्या होता है, तो इसको मैं अंतःखंड रूप में बदलता हूं। तो अंतःखंड रूप क्या होता है, अक्ष बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 होता है। बराबर में हमेशा कितना रखना है, 1 रखना है। तो मैं 1 रखने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा लेता हूं, 2 का। ये लो मैंने किसका भाग लगा लिया भाई, 2 का। तो 2 का भाग लगाया तो हो गया क्या, अक्ष बटा 2 ए। इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत है किसी के, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में हमेशा किसका चिन्ह रखना है अपने को, प्लस का, ताकि अपने को पता चल जाएगा बराबर में 1। तो आपको ध्यान में है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 11, उसमें आपने किया होगा अक्ष बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 है। ए तो क्या होता है, अक्ष अक्ष को कहाँ काटता है, और ये वाई के नीचे जो है उससे अपने को पता चलता है कि वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है। देखो इससे अपने को देखो पता क्या चल रहा है, तो मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से बना लेते हैं। ये लो मैं इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेता हूं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है कि ये अक्ष को तो कहां काट रहा है, ये जो रेखा है अक्ष को तो कहां काटेगी, 2a पर, प्लस का 2a है, तो 2a प्लस का किधर होता है, अक्ष का मान इधर होता है भाई। तो ये लो अक्ष का मान कितना है भाई, 2a, तो हो गया 2a, 0। ठीक है, y को कहां काटेगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो y को कहां काटेगा, ऊपर या नीचे, तो y को कहां काटेगा, माइनस 2b पर, मतलब माइनस 2b है, तो 2b कहां होगा, नीचे होगा, किसका है, माइनस का, इसलिए नीचे होगा। ये लीजिए, ये क्या हो गया, अक्ष का मान तो 0 और y का मान कितना भाई, माइनस 2b। ठीक है, अरे मतलब अक्ष को तो कितनी दूरी पर काटेगा, 2a दूरी पर, और y को माइनस 2b, माइनस 2b का मतलब नीचे काटेगा। तो ठीक है, ये लो ये अपनी क्या हो गई, रेखा हो गई। इस रेखा का नाम आप लिख सकते हो, ये है इस रेखा का नाम। इस रेखा का नाम क्या था भाई, ये था पूरा रेखा का नाम, ये था। मैंने क्या किया था, इस पूरे में किसका भाग दे लिया था, 2 का, तो 2 का भाग दिया था, 2 का भाग दिया, और 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखा था, तो ये है अपनी रेखा। ठीक है, तो इस रेखा का नाम भी आप लिख सकते हो। अब इसने क्या बोला, एक तो ये रेखा और निर्देशी अक्ष, निर्देशी अक्ष का मतलब एक तो अक्ष अक्ष ये लीजिए, और एक अपना है वाई अक्ष। मैं इस वाई अक्ष से थोड़ा सा पास में बना रहा हूं ताकि अपने को अलग से दिख जाए, वरना एक के ऊपर एक बना दूंगा तो दिखेगा नहीं। अब जहां जहां आपको सफेद लाइनें दिख रही है, तो सफेद लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो घिरा हुआ क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसको अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसमें तो देखो अपन खड़ी लाइनें भी कट कर सकते हैं और आधी लाइनें भी इसमें कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ये लो इसमें अपन क्या कर सकते थे, आधी लाइनें भी कट कर सकते थे, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कट कर लीजिए। अब यहां मैंने खड़ी लाइनें कट की है, तो देखो ये जो छोटा सा जो क्षेत्र है, ये जो छोटा सा क्षेत्र है, ये जो आयत है, तो ये जो बहुत छोटा है, ये किसका मान है, अक्ष का मान, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी एक्स, और ये लंबा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वाई। ये लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान हो गई कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना किसका क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल, यहाँ क्या लिख लेना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यदि अपने को ज्ञात करना, चाहे नाम देना चाहते हो तो नाम दे लेना, ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का, है ना, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या करोगे, हाँ क्या आएगा भाई, वाई डी एक्स। यदि यहाँ डी एक्स है तो लिमिट भी अपनी एक्स की आएगी, तो ये देखो ये जो कट रहा है यहां से यहां तक चल रहा, तो एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, यहां तो एक्स का मान 0 है,
तो जीरो से कहां तक चल रहा है, दो ए तक चल रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने को सोल्व तो करना ही है, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो सोल्व जब करोगे तो मैं वाई का मान रख लेता हूं, ये लो जीरो से कितना है भाई, टू ए तक तो है ही है, जीरो से टू ए तक तो है ही है, और जो ध्यारकना क्षेत्रफल हमेशा किसमें आएगा, मोड में, मोड मतलब प्लस में ही आएगा। वाई का मान यहां से जब निकालोगे, जब वाई का मान निकालोगे तो आएगा कितना, चाहे निकाल के देख लीजिए, यहां से आएगा अक्स बटा ए बराबर हो जाएगा वाई बटा बी माइनस दो। अरे इसको तो इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, क्या फर्क पड़ता है ना। और यहां से देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा अक्स माइनस टू ए, और ये जो b है ये b कहाँ आ जाएगा भाई, गुणा में, तो हो गया क्या भाई b बटा a, ये तो कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर रह गया। अरे b बटा a तो कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर रह गया, बचा क्या x माइनस टू ए, ये लो डी एक्स, बस हो गया अपना काम। और अपना क्या है, और बराबर में y था तो y का मान ही तो रखा है ये, अरे ये किसका मान रखा है y, तो y का मान यहाँ से निकाल करके मैंने यहाँ रख लिया, और dx था ही था, है ना। आप सोल्व करोगे तो देखो b बटा a, आपको ध्यान है कि जो अक्ष है इसका जब समाकलन करोगे तो इसका समाकलन क्या होता है भाई, अक्ष स्क्वायर बटा दो होता है, और माइनस कितना होता है भाई टू ए, ये तो कॉन्स्टेंट है, गुणा में एक मान लेता हूँ, 2a तो क्वेश्चन है, गुणा में 1 मान लेता हूं, तो 1 का क्या होता है अक्ष, जैसे 5 का समाकलन अपने को करना है तो आपको ध्यान में 5 का समाकलन कितना होता है 5 अक्ष, क्यों, क्योंकि 5 तो क्वेश्चन है, गुणा में 1 मान लो, 1 का होता है अक्ष तो 5 अक्ष, 10 होगा तो 10 अक्ष, 8 होगा तो 8 अक्ष, यदि अपने को 1 का समाकलन करना है तो ax, 2a का करना तो 2ax, हो गया काम। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2a तक, तो मैं रख देता हूं लिमिट, रख दूंगा। देखो ये b बटा a तो अपना क्या है, कोशेंट है, तो पढ़ाई है, हाँ पहले x की जगह 2a रखोगे तो 2a का स्क्वायर में डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 4a स्क्वायर और बटा में 2 माइनस x की जगह जब 2a रखोगे, x की जगह 2a रखोगे तो 2a गुणा 2a कितना हो गया 4a स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह, और फिर ब्रैकेट रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे पहले अपर लिमिट रख दी अपन ने, पहले क्या रख दिया अपन ने अपर लिमिट, और माइनस अब रखूंगा लोअर लिमिट, है ना, नीचे वाली जो मान है वो रखूंगा जीरो रखूंगा, तो जीरो रखने पर ये भी जीरो और ये भी जीरो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी अपन ने लिख लिया। ये लो क्या आएगा भाई, जीरो ही तो आएगा जब सोल्व करोगे, जब जीरो रखोगे तो ये भी जीरो, तो बचेगा कितना जीरो, थोड़ी लाइन बचा ली मैंने, है ना, इधर अपना काम आ जाएगा। तो देखो आ गया क्या बी बटा ए, और कितना देखो एलसीएम ले ला, एलसीएम कितना आएगा भाई दो आएगा, तो एलसीएम दो आएगा, तो आएगा किसका भाई, ये आएगा 4a स्क्वायर, जब सोल्व करोगे तो आएगा 4a स्क्वायर माइनस के 8a स्क्वायर, तो बचेगा कितना माइनस 4a स्क्वायर। आप पूरा हल कीजिएगा, इसको एक बार साफ कर लेता हूँ, तो इसको अपन साफ कर लेते हैं, ये लीजिए डस्टर कहाँ गया, डस्टर थोड़ा साइड में रह गया था, ये लो चलो कोई बात नहीं, ये लो अपना काम हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो दो से ये तो कट गया कितनी बार, दो बार, तो आ गया कितना, और a से एक ये कट गया, बचा कितना माइनस के टू ए बी, और इसीलिए मैंने बोला था कि क्या लगाना भाई, मोड लगाते चलना है हमेशा, तो मोड लगाते चलना, तो क्या आ जाएगा भाई टू ए बी, क्या आएगा भाई वर्ग इकाई, मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस का होता है, इसलिए अपन ने क्या लगाया भाई मोड लगाया, तो मोड लगाने से किसका आ गया प्लस का आ गया, तो टू ए बी इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। लेकिन और मैंने बोला था इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आता ही होगा, एक बार इसको भी थोड़ा सा साफ कर, चलो लिख ही लेते हैं, इधर ही कर देता हूं मैं, है ना, तो क्या हो जाता है भाई एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, अरे यही तो होता है, तो ये तो आधार है और ये ऊंचाई है, या ये आधार ये ऊंचाई कैसे भी मान लीजिए, है ना, क्योंकि ये आधार है, मान लो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई टू ए, गुणा ये ऊंचाई कितनी है भाई, देखो यहां से यहां तक की दूरी बताई थी मैंने टू बी, माइनस तो क्या है इसका निर्देशांक है, तो देखो दो से दो कट गया, आ गया डायरेक्ट कितना आ गया भाई टू ए बी, ये लो इतना करने की आवश्यकता है क्या, हाँ है, कब बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न से अपने को नंबर मिलने वाले हैं, इससे अपने को नहीं करना है। देखो आंसर तो देखो कितना जल्दी आ गया, लेकिन कोई काम का नहीं है, ये केवल अपन किसमें काम में ले सकते हैं, जहां ऑप्शनल अपना पेपर होगा, कंपटीशन जो एग्जाम्स होती है उनमें अपन काम में ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूं कि इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, यदि इसको मैं लाइन ऐसे कट नहीं करके इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था, देखो
ये आपको दिख रहा होगा यहाँ कितना था 2a,0। और ये जो तरीका है इस तरीके से आप खुद करना, इससे क्या आंसर आता है। यदि अलग आंसर आए तो मेरे को कमेंट जरूर करना, क्योंकि अलग नहीं आना चाहिए, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, सेम आना चाहिए आंसर। मैं इसको ऐसे कट नहीं करके ऐसे भी इसको कट कर सकता था। कैसे? ऐसे इसको कट कर सकता था, ऐसे कट करता तो देखो एक छोटा सा हिस्सा कोई भी काटो, इसको आप क्या नाम दोगे। ये देखो अब की बार ये किसका मान है भाई, ये वाई का मान है, लेकिन ये जो वाई है बहुत ही छोटा है, वाई क्या है बहुत ही छोटा है। और ये किसका मान है, इधर आप ध्यान है किसका मान होता है भाई, अक्ष का। तो इसको आप क्या लिखोगे, अक्ष डी वाई, और समाकलन कर दो। और ये डी वाई था, कहां से कहां तक करोगे, अरे वाई बहुत ही छोटा लिया है, लेकिन जो वाई है या डी वाई आया है तो लिमिट भी यहां वाई की आएगी, तो अपन वाई की लिमिट लगाते तो कहां से कहां तक करें, जीरो से लेकर के कहां तक है, -2b तक। नहीं, इसमें अपन हमेशा क्या बोलेंगे, पहले छोटा और फिर बड़ा। कहां से कहां तक, माइनस के 2b से कहां तक, जीरो तक। अरे पहले छोटा और फिर बड़ा, पहले छोटा और फिर बड़ा, तो -2b से लेकर के कहां तक चल रहे हैं अपन, जीरो तक। और यदि जीरो से -2b लगा लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, आंसर वही आने वाला है, क्योंकि आपको ध्यान में है यहाँ क्या लगाया करते हैं अपन, मोड लगाया करते हैं, तो मोड के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जीरो से -2b लिखो चाहे -2b से जीरो लिखो। लेकिन -2b से जीरो लिखना बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले लिखते हैं अपन लोअर लिमिट, फिर लिखते हैं अपन अपर लिमिट। तो इस प्रकार से इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, तो वही आंसर आएगा, चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा। इससे आप अक्ष का मान रख लीजिएगा, पहले अक्ष का मान पहले रखोगे फिर सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, तो जो 10वां क्वेश्चन है वो किस तरीके से अपने को दे रखा है, तो वो दे रखा है अक्ष प्लस 2y = 8। तो ये भी कोई ना कोई एक रेखा है, अरे सरल रेखा ही तो है, अक्ष की घात भी एक और वाई की घात एक, तो रैखिक समीकरण है तो रेखा जरूर बनेगी, तो रैखिक समीकरण है। तो पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ कौन सा है भाई, सॉल्यूशन किसका है, 10th वाले का, ठीक है। तो सोल्व करोगे अक्स प्लस 2y = 8, तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ 8 का भाग दे लेता हूँ, उससे क्या होगा, 8 का भाग देने से क्या हो जाएगा, तो 8 का भाग देने से ये आ जाएगा कि ये तो हो गया अपना अक्स बटा 8, ये हो गया वाई बटा 4, दो से कट गया ना, और बराबर में एक। अक्स को तो कहाँ काटेगा, 8 पर, और वाई को कहाँ काटेगा, 4 पर। ये अपने को पता चल गया, किससे पता चला, तो मैं बनाता हूँ, देखो डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा, ये लीजिए डायग्राम, जब बनाओगे इस तरीके से बनेगा, ये एक्स अक्स और ये वाई एक्स, ठीक है। अब इसको अपने को पता चलेगा कि ये जो है ये अक्स को तो कहाँ काट रहा है, 8 पर, ऊपर 8 पर, सॉरी किसको, अक्स को, वाई को नहीं, अक्स को तो कहाँ काटेगा, 8 पर। ये लो अक्स को तो कहाँ काटेगा, 8 पर, ये बिंदु ले लेता हूँ मैं, कितना 8,0 कितना, अरे एक्स का मान तो 8 है, वाई का मान 0 है, और वाई को कहाँ काटेगा, 4 पर, तो 4 ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, ये हो गया अपना 0,4। ये लो ये अपना हो गया। अब अपने को कहाँ से कहाँ तक पूछा है, और देखो एक तो ये रेखा हो गई अपनी, रेखा हो गई, और एक अक्स बराबर 2, अक्स बराबर 2 कहाँ होगा, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, अक्स बराबर 2, और यही तो होगा कहीं ना कहीं, अक्स बराबर 2, और एक होगा अक्स बराबर 4, ये लो अक्स बराबर 4, अरे ये इधर से तो होगा, यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र था, और एक और बोला एक अक्स अक्स, अभी तो देखो घिरा हुआ क्षेत्र कोई सा नहीं आ रहा, देखो इससे 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 कोई घिरा हुआ क्षेत्र है क्या, नहीं है। अरे देख लो, चाहे एक तो ये लाइन कैसी है, ये लाइन तो ऐसी है, ये लाइन ए सी है, के सी, अभी तक कोई घिरावा क्षेत्र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखो आगे एक और बोला अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष कौन सा हो गया, ये लीजिए, ये लीजिए, अब देखो एक लाइन ऐसे आ रही है, तो घिरावा क्षेत्र कौन सा हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया कि नहीं, बिल्कुल, तो ये इसका क्या हो गया, घिरावा क्षेत्रफल हो गया, तो घिरावा क्षेत्र ये हो गया। तो मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार के लिए, ये लो ऐसे लो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये लो ये अपनी लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए मैंने बताया था बार बार यही आ रहा है कि इसको तो मैं क्या बोलूँगा डी एक्स, इसको क्या बोलूँगा वाई, तो ये आ जाएगा क्या वाई डी एक्स, और ये डी एक्स लिखा तो लिमिट भी अपनी किसकी आएगी, अक्स की आएगी, तो अक्स की लिमिट आपको ध्यान है कहाँ से कहाँ तक चल रही है, और ये जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ मान का कितना अक्स का 2, और यहाँ मान कितना है 4, तो 2 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है भाई, 4 तक चल रहा है। तो जब इसका समाकलन वाई का मान रख लीजिएगा पहले, तो वाई का मान रखोगे 2 से 4 तक, y का मान जब निकालोगे तो आएगा कितना 8 - x, ये लो 8 - x / 2,
अरे बटा दो भी तो आएगा, चाहे सोल्व करके देख लो। ऐसा आएगा जब सोल्व करोगे तो कितना अपने पास में x प्लस टू वाई बराबर आठ है, तो दो वाई बराबर कितना हो गया भाई, आठ माइनस एक्स, और दो गुणा में तो इधर आ जाएगा तो भाग में, तो एक बटा दो आठ माइनस एक्स। अब इसका तो समाकलन आप कर ही सकते हो, तो इसका समाकलन करना। समाकलन करने के बाद पहले तो कितना रखोगे भाई, चार, और माइनस का चिन्ह लगा करके कोष्टक रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर बोल रहा हूँ। और उसके बाद कितना रखोगे, दो रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। या फिर कई लोगों की भाई डिमांड है कि सर पूरा हल कराया करो, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरा हल करा देता हूँ। जैसे मैंने छोड़ा तो मेरे को तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ, किसी ने बोला था ऐसा ना, तो देखिए इसको पूरा ही सोल्व कर देता हूँ मैं। तो सोल्व करूँ तो एक बटा दो तो है ही, जब समाकलन करोगे तो आठ का तो कितना हो गया भाई, आठ एक्स, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, और एक्स का कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बटा दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी दो से चार तक। अब इसको हल कर लेता हूँ, तो हल करोगे तो एक बटा दो तो है ही, पहले चार रखोगे तो चार रखोगे तो आठ चौक बत्तीस, चार रखोगे तो चार का स्क्वायर सोलह, सोलह बटा दो कितना हो गया भाई आठ, और माइनस, अब ब्रैकेट रखना वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर बोल रहा हूँ, दो रखोगे तो आठ दूनी सोलह, दो रखोगे तो दो का स्क्वायर चार, चार में दो का भाग दो तो दो आएगा। अब तो सोल्व कर ही सकते हो ना इसको, तो एक बटा दो सोल्व करोगे तो कितना हो गया, बत्तीस में से आठ गया तो ध्यान आया चौबीस आया, और सोलह माइनस दो कितना हो गया चौदह, माइनस के कितने हो गए भाई चौदह हो गए, और एक बटा दो, और ये कितना आ गया दस, तो आ गया कितना पांच वर्ग इकाई, इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर एक, x बराबर दो, और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बनाता हूँ इसका, क्या बनाता हूँ डायग्राम बनाता हूँ, किसका, ग्यारहवें का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ग्यारहवा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले तो एक बार मैं ये लो डायग्राम, थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ये अपना क्या है अक्ष अक्ष, ये अपना है वाई अक्ष। तो डायग्राम बनाओगे सबसे पहले किसका, वाई बराबर अक्ष स्क्वायर का, तो वाई बराबर अक्ष स्क्वायर का कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान में है कि जो अक्ष स्क्वायर है इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इस प्रकार से बना करता है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि ये है क्या परवलय है, अरे एक तो क्या है कितने चर है दो, एक चर की घात तो कितनी है एक, और एक चर की घात कितनी है दो है, तो ये हमेशा क्या देता है परवलय देता है, परवलय बनाता है, तो परवलय बन गया, और बना किसका वाई बराबर एक्स स्क्वायर का, तो ये लो, और किधर बनेगा जिसकी घात एक होती है उसी दिशा में, तो घात एक किसकी है वाई की है, तो वाई की दिशा में बनेगा, या फिर आपको डायरेक्ट ध्यान है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, वाई बराबर मोड एक्स का कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है घुमावा जाता है, किसमें एक्स स्क्वायर में, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स की घात चार हो, चाहे एक्स की घात छः हो, इलेवंथ क्लास में आपने पढ़ रखे होंगे इनके ग्राफ बनाना, ठीक है, तो इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब अपने पास में ये क्या है वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और एक क्या है एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर एक कौन सा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे ही तो होगा, अरे एक्स का मान एक, ये लो एक्स का मान एक होगा, इधर ही तो होगा, और एक्स बराबर दो, ये लो एक्स बराबर दो, ठीक है, ये भी ठीक है, और एक अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष कौन सा हो गया भाई, ये हो गया क्या, ये अपना अक्ष अक्ष हो गया, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आया, आप देखो ये 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 और ये, तो घिरा हुआ क्षेत्र मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मेरे को घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, चाहे ये वाला क्षेत्र क्या घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, यही तो है घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो आप करोगे तो कैसे हल करोगे भाई, तो इसको तो आप क्या बोलोगे, आपको ध्यान में है अरे बार बार वही बात आ रही है, तो अपना dx है, मैंने ऐसे काटा है, तो ये क्या हो गया अपना dx, ये किसका सॉरी किसका मान हो गया y का मान हो गया, तो आएगा क्या, इसको लिखोगे क्या वाई डी एक्स, और नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, है ना, या फिर आप लिख लो कि जो रेखांकित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर नाम दे लो ए बी सी डी, तो एरिया, एरिया किसका ए
बी सी डी ए का एरिया निकालना है, किसका निकालना है, ए बी सी डी ए, बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, तो मैंने अभी लिखा था बराबर क्या आएगा, तिरछा लिख दिया, कोई बात नहीं, सीधा कर लेना आप, है ना। तो देखो आएगा क्या, इसको लिखोगे क्या, आपको ध्यान में है, इसको क्या लिखना, वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स यहाँ डी एक्स है, डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो लिमिट भी अपनी अक्ष की ही आएगी, तो अक्ष की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और एक्स का मान एक से लेकर के कहाँ तक है, दो तक, ये लो एक से लेकर के दो तक है, तो इसका समाकलन आप कर सकते हो। वाई का मान रख लेना, तो वाई का मान कितना है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, वाई का मान क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, इसको तो आप खुद सोल्व कर लेना, अरे बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बटा तीन, और एक बार तो अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो हल करने पर लगभग 7/3 आ जाएगा, शायद 8/2, 8/3 माइनस, ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा, 7/3 वर्ग इकाई, तो सोल्व कर लीजिएगा इसको, तो बिल्कुल छोटा सा है। हाँ, ध्यान किस पर देना है, 12वें पर, ठीक है, 12वां क्या है, तो 12वां प्रश्न इस प्रकार से अपने को दिया है कि वाई बराबर 4x स्क्वायर, तो फिर ध्यान आएगा कि ये तो परवलय है, परवलय क्यों है, क्योंकि कितने चर इसमें, दो चर हैं, एक तो अक्ष और एक वाई, किसी एक की घात तो एक होगी, कोई एक तो स्क्वायर में होगा, कोई एक तो स्क्वायर में है, अक्ष तो किसमें है, स्क्वायर में है, और वाई की घात कितनी है, एक, किसी न किसी की घात तो एक होगी, और किसी दूसरे की घात दो होगी, अरे किसी न किसी की घात तो एक और किसी एक की घात दो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यहां तो वाई की घात तो कितनी है, एक, और एक्स की घात दो है, तो इसका मतलब ये क्या है, परवलय देगा, ये क्या देगा भाई, परवलय देगा, और परवलय देगा, और परवलय भी बनेगा किधर, जिसकी घात एक होती है उधर ही बनेगा, घात एक किसकी है, तो घात एक वाई की दिखाई दे रही है, तो बनेगा भी किधर, वाई की दिशा में बनेगा, तो वाई की दिशा में बनेगा, तो बनाता हूं मैं पहले, तो येलो येलो येलो, हाँ येलो ही है ये, है ना, येलो ही तो है, अक्ष अक्षर ये वाई अक्ष, तो बनाता हूं मैं, तो बनाऊंगा तो किधर बनेगा भाई, इस तरफ बनेगा वाई की दिशा में, या फिर आपको ध्यान में है वाई बराबर अक्ष स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है, ये लो, चाहे वाई बराबर अक्ष स्क्वायर हो, चाहे वाई बराबर दो अक्ष स्क्वायर हो, चाहे तीन अक्ष स्क्वायर हो, चाहे चार अक्ष स्क्वायर हो, इसी तरीके से बनेगा सभी चीजें। मैं फिर बोल रहा हूँ, 11th क्लास में अपन ने पढ़ रखी है, इसलिए इतनी ज्यादा इन पर डिस्कस मैं नहीं कर रहा, केवल फटाफट में क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ये लो, ये अपना क्या है, मूल बिंदु जीरो है, ठीक है, और ये क्या है, वाई बराबर चार अक्ष स्क्वायर, और ये क्या बोला, अक्ष बराबर जीरो, अक्ष बराबर जीरो का मतलब आपको ध्यान होगा, अक्ष बराबर जीरो का मतलब होता है अपना वाई अक्ष, अक्ष बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष। कल भी मैंने बताया था, शायद कल या परसों के वीडियो लेक्चर में, जब 11वीं प्रश्नावली ही चल रही थी अपनी, उसी समय मैंने बताया था कि अक्ष बराबर जीरो का मतलब क्या होता है भाई, वाई अक्ष होता है, और अक्ष अक्ष का मतलब क्या होता है, y बराबर जीरो, क्योंकि इस लाइन पे पूरे y का मान क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ हर जगह x का मान जीरो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो का मतलब y x, और y बराबर एक, तो y बराबर एक किधर बनेगा, तो y बराबर एक ऐसे बनेगा, थोड़ा सा नहीं, चलो बना ही लिया तो कोई बात नहीं, ये हो गया अपना y बराबर एक, और ये कितना भाई, y बराबर चार, तो y बराबर चार किधर होगा, इधर ही होगा, ये क्या हो गया भाई, वाई वाई बराबर अपना क्या हो गया भाई, चार, ये वाई बराबर चार की लाइन हो गई, अरे यहाँ तो मान लो वाई का मान एक था, यहाँ कितना है, चार है, तो ये वाई बराबर एक की लाइन, ये वाई बराबर चार की लाइन, जैसे ये एक्स बराबर एक की, ये एक्स बराबर दो की, ऐसे वाई की जब आती है तो कैसी होती है भाई, ऐसे पैरेलल होती है, ठीक है, तो वाई बराबर एक से वाई बराबर चार तक का, तो घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आ गया, तो घिरा हुआ क्षेत्र तो देखो ये आ गया पूरा ही आ गया, अरे क्या आ गया, पूरा ही, लेकिन केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने पूछा है, शुरुआत में बोला था प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब केवल और केवल पहले चतुर्थांश में होना चाहिए, तो पहले चतुर्थांश में केवल और केवल ये वाला हिस्सा आ रहा है इसका, अरे केवल और केवल यही हिस्सा तो आ रहा है, ये लीजिए देखो, केवल और केवल ये वाला हिस्सा इसका आ रहा है किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, तो इसको कैसे लिखोगे, मैंने आधी लाइनें बनाई है इसमें, क्यों बनाई है, क्योंकि यहां मेरे को दिख रहा शॉर्ट किससे होगा, लिमिट किसकी है, यहाँ लिमिट किसकी दिखाई दे रही है, वाई की दिखाई दे रही है, लिमिट किसकी दिखाई दे रही है, जब भी अपने को, चलो नाम देता हूँ मैं एक बार इसको, नाम देता हूँ क्या, ए बी सी डी, तो किसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को, ए बी
सी डी ए का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मेरे को लिमिट किसकी दिखाई दे रही है, वाई की दिखाई दे रही है, एक से चार। तो यहाँ भी डी वाई आएगा, यहाँ डी वाई आएगा, तो यहाँ अक्स आएगा। क्यों आएगा तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ अपन ने आडी लाइनें काटी, आडी लाइनों से सरल हो रहा है। खड़ी लाइनें काट के भी मैं कर सकता था, लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत अपन किस में करेंगे, 11.1 में नहीं करेंगे, वो किस में करेंगे मेहनत, 11.2 में करेंगे। तो उस 11.2 में मेहनत करना है, तो यहां क्यों करें। अरे वहां से समझ में आ जाएगा आपको कि इसको दूसरे तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करूं, तो ध्यान होगा आपको कि मैंने क्या किया कि किया 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 क्या किया, इधर ये छोटा छोटा मैंने हिस्सा काट लिया एक, इसको तो मैं क्या बोलूंगा भाई, डीवाई बोलूंगा। और ये अपना क्या है, अक्ष है। तो ये क्या हो गया, अक्ष गुणा डीवाई, अक्ष गुणा डीवाई। और डीवाई लिखा है तो लिमिट भी वाई की आएगी, तो वाई की लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ए से डी तक। ए से डी का मतलब यहां तो कितना था वाई का मान, एक, यहां कितना था, चार था। देख लो यहां वाई का मान कितना है, चार। अब सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, एक से चार तक तो है ही है। अक्ष का मान मैं निकालूंगा यहां से, तो अक्ष का मान जब निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, अंडरूट वाई बटा दो मिलेगा। निकाल के देख लो चाहे, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वाई बटा चार, स्क्वायर हटाओ अंडू लग जाएगा, तो अंडू वाई बटा चार का अंडू तो आता ही है, कितना होता है, दो होता है। ये लो डी वाई है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो देखो एक बटा दो तो अपने पास में है ही है, ठीक है, और एक से चार तक है, इसको लिख लेता हूँ मैं वाई की घात एक बटा दो। और जब सोल्व करोगे तो y की घात एक बटा दो का समाकलन क्या होगा भाई, y की घात तीन बटा दो। ध्यान है ना कैसे, एक बटा दो प्लस एक बटा एक बटा दो प्लस एक, ठीक है। अरे y की घात n का, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक। तो y की घात एक बटा दो प्लस एक बटा एक बटा दो प्लस एक, तो कितना आ जाएगा भाई, तीन बटा दो। और यहाँ भी कितना आएगा, तीन बटा दो चला जाएगा ऊपर, लिमिट एक से चार तक, तो एक बटा दो तो है ही है। और दो बटा तीन भी मैं कहाँ ले लेता हूँ भाई, ये एक बटा दो तो अपना फाई था, ये दो बटा तीन भी बाहर ले लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और वाई की घात केवल तीन बटा दो बचा, एक से चार तक है लिमिट, है ना। तो रखोगे तो दो से दो तो कट गया, आ गया कितना, एक बटा तीन। और यहाँ जब सोल्व करोगे तो एक बार तो चार रखो, तो चार की घात तीन बटा दो माइनस एक की घात तीन बटा दो, तो एक बटा तीन। तो चार क्या होता है, आपको ध्यान होगा दो का स्क्वायर होता है, चार क्या होता है, दो का स्क्वायर। और घात कितनी है, तीन बटा दो। और एक ही घात तो कितनी कर लो, एक ही आता है। और आपको ध्यान है घात की घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, गुणा करोगे तो कट जाएगा, तो आएगा कितना, दो का क्यूब कितना आएगा भाई, आठ आएगा। तो आठ माइनस एक सात, सात बटा तीन वर्ग इकाई। तो इसका ये क्या आ गया भाई, आंसर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिए है, तो अब आपको इनकी क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इसके ले लेते हैं दो उदाहरण, उदाहरण नंबर दो और उदाहरण नंबर तीन। उदाहरण नंबर जो एक है वो प्रश्न नंबर एक की तरह होगा, तो उसको आप सोल्व कीजिएगा। प्रश्न नंबर एक देखो और उसके बाद उदाहरण सोल्व कीजिएगा। अरे कुछ एक तो सोल्व आप कर ही सकते हो, लगभग मैं 95% जो क्वेश्चंस है वो मैं सोल्व करा दूंगा। अब बाकी जो 5% रहेंगे, अब इतना तो आप खुद को करना है, तो 5% काम तो आप खुद भी तो करोगे। एक इसलिए देखो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर दो से ले रहा हूँ। उदाहरण नंबर दो और तीन आज खत्म करते हैं, उसके बाद कल जितने भी उदाहरण रह गए और आगे के जो उदाहरण है वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आगे के उदाहरण है उनको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो जो आगे के उदाहरण है वो क्या है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो पहले उससे पहले तो अपन उदाहरण नंबर दो और तीन तो देखें एक, अरे डायरेक्ट वो थोड़ी आ जाएंगे। तो पहले उदाहरण नंबर दो और तीन पे आते हैं। तो उदाहरण नंबर दो क्या है, तो उदाहरण नंबर दो इस प्रकार से दे रखा है कि y बराबर ये है और एक अक्ष अक्ष है। अब इसका आपको वक्र बनाना आता है क्या, इसका आपको वक्र बनाना नहीं आता होगा। किसका कर रहे हैं भाई सॉल्यूशन, उदाहरण नंबर दो का, ना दूसरे का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका जो वक्र है वो मैं आपको बना करके बता देता हूं कि इसका वक्र कैसा बनेगा। तो इसका वक्र जब देखोगे तो इसका वक्र इस प्रकार से बनता है भाई, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और ये इस प्रकार से क्यों बना नहीं पता, ये सभी काम है ये ग्राफ का है, और इसमें थोड़ी सी ग्राफों में अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये तरीका नहीं बता करके जो आपकी बुक में मेथड दे रखा है ना, वो है थोड़ा सा गलत।
लेकिन फिर भी मैं उसी मेथड से आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो बुक है, जो सॉल्यूशन का, जो अपने आंसर शीट चेक करने वाला है, वो उसको रॉन्ग मेथड नहीं मानेगा, बिल्कुल उसको करेक्ट मेथड मानता है, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो होता है एक से लेकर के माइनस एक के बीच में। तो ये हो गया अपना। अब ये आता कैसे है, अब इसकी आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी है। थोड़ा सा ग्राफ में अपन करते हैं, जब फलन अपन पढ़ते हैं कक्षा 11 में, उस समय अपन इसका लंबा चौड़ा तरीका देखते हैं। जो ग्राफ है, कई सारे वक्र बनाना अपन सीखते हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी है। लेकिन अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा अलग तरीका अपनाते हैं। अलग तरीका क्या अपनाते हैं, तो यहाँ से आप देखिए कि जो वाई बराबर कितना है भाई, 2√1 − x2। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अंडरूट हटा लूँ पहले, तो अंडरूट हटा लूँ, तो अंडरूट हटाने से क्या होगा, मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो हो गया कितना भाई, वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, और स्क्वायर से रूट कर जाएगा 1 − x2, और 4 गुणा में है, किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, बराबर 1 − x2। अक्ष स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजोगे, उधर भेजोगे, उधर भेजोगे, उधर भेजोगे, तो आ क्या आएगा भाई, तो मैं इससे लिख देता हूँ अलग, है ना, थोड़ा सा ध्यान आ जाए। अक्ष स्क्वायर को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, और प्लस का वो था ही वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1, 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसके बटा में कुछ नहीं तो मैं क्या लगा लेता हूँ, 1 और 1 के भी स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया भाई, ये दीर्घवृत्त बन गया कि नहीं, देखो दीर्घवृत्त तो बन रहा है, अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, और इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली में कर रखा है, है ना। देखो ये दीर्घवृत्त तो बन गया, इसलिए देखो अपन इसको पूरा करना चाहे तो ये क्या बनेगा भाई, दीर्घवृत्त बनेगा। ये लो थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपने को बिल्कुल एक्यूरेट की जरूरत नहीं है, अंडा सा हो गया तो, है ना, दीर्घवृत्त नहीं हुआ, है ना। तो आप दीर्घवृत्त अच्छे से बना लीजिएगा, है ना, आराम से बनाइएगा, तो दीर्घवृत्त आपसे बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां देखोगे आप कि अक्ष को तो कहां काट रहा है, कहां गया, अक्ष को तो कितनी दूरी पर काटेगा, एक दूरी पर, तो अक्ष को तो एक दूरी पर काटा, मतलब ये एक का मान तो कितना हो गया भाई, एक हो गया, तो एक इधर और एक इधर, इधर वाला एक उसको तो क्या लिखोगे, 1,0, इधर वाला एक है तो −1,0, और ये जो दूरी है वाई की, वो बी का मान है वो कितना है भाई, 2 है, ये 2 है, ऊंचाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 0,2, और ये कितना होगा, 0,−2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक तो ये हो गया और एक अपना अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष कौन सा, अक्ष अक्ष तो यही है कि, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो कोई सा एक देख लीजिए, तो मैं कौन सा देख लेता हूँ, ऊपर वाला देख लेता हूँ। तो कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान होगा कि ऊपर वाले का पूरे का निकालना है, तो मैं पूरे का तो निकालूंगा नहीं, सम्मिता करती बताई थी, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो मैं केवल एक का निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर लीजिएगा आप, ये लो ये छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर ली मैंने, और जब लाइन ड्रॉ की तो मेरे को ध्यान आया कि ये तो अपना क्या है भाई, अरे ऐसा तरीका पहले अपन ने किया था, ऐसा दीर्घवृत्त का मैंने बता रखा है, और यहाँ आपको ध्यान में कि ए था, ए का मान कितना था, यहाँ 1 है, और बी का मान कितना है, 2, मतलब अक्ष को तो 1, और वाई को कहाँ पर, 2 पर काटेगा, अक्ष को तो कहाँ पर, 1 पर, वाई को 2 पर, तो 1 वाला छोटा ये वाला बड़ा, तो किधर बन रहा है ये, इस वाई अक्ष की तरफ इसका दीर्घ अक्ष है, और कल अपन ने किया था उसका किधर था भाई, अक्ष अक्ष की तरफ था, है ना, माना था, है ना, था नहीं, है ना। तो देखो अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 दीर्घवृत्त होता है। दीर्घवृत्त अपन ने बना लिया, बनाने के बाद इसके निर्देशांक अपन ने दे दिए, और देने के बाद अपन क्या करेंगे, पहले सोल्व करोगे इसको, और ये क्या है अपना भाई, वाई है, तो इसको लिखोगे क्या, क्षेत्रफल देखना इसका, तो ये 0, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो एरिया अपने को निकालना किसका भाई, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो क्या लिखोगे इसको, वाई डी एक्स, और डी एक्स लिखा है तो लिमिट भी किसकी आएगी भाई, अक्स की आएगी, तो अक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। मैं इसको आडी लाइनें भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा यदि आडी लाइनें लेते, तो क्या करोगे उसको, तो लिखते हैं अपन डी वाई, और क्या आता, अक्ष अक्ष डी वाई आता, यहाँ यदि आडी लाइनें लेते हैं तो यहाँ क्या आता भाई, अक्ष डी वाई आता, और लिमिट भी फिर किसकी आती, अक्ष डी वाई आता तो डी वाई है, तो डी वाई आता तो लिमिट भी वाई की आती, लिमिट वाई की कितनी आती, 0 से लेकर के कहाँ तक भाई, 2 तक है, है ना, तो 0 से 2 तक आती, तो उससे सोल्व करके देख लेना, वो सेम आंसर आएगा, ठीक है। और आपको ध्यान में है, अपने को इसी का थोड़ी निकालना था, अपने को तो पूरे का निकालना था, इसको चलो मैं नाम दे लेता हूँ सी, है ना, तो इसका क्या कर लेना, डबल कर लेना,
लास्ट में कर लेना, मैं केवल एक का निकाल लेता हूँ, जो आएगा इसका डबल कर लूंगा, तो किसका आ जाएगा भाई, पूरे का आ जाएगा जो अपने को पूछा था। ठीक है तो देखो सोल्व कर लेते, अपने को तो पूरे का ही पूछा था भाई, तो अपन तो पूरे का निकालेंगे। ठीक है पहले एक का निकालोगे डबल कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा, तो सोल्व करोगे तो यहाँ पहले वाई का मान रखो, तो y का मान रखोगे तो y का मान कितना है पहले ये बताओ, y का मान निकालोगे तो दिया y है, ज्यादा कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो दो तो अपना क्या है कॉन्स्टेंट है। y का मान कितना दिया हुआ भाई, अंडर रूट 1 - x² खुद दिया हुआ है, इतनी ज्यादा अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे यहां से निकाल करके देख लो यही आएगा, चाहे यहां से निकाल करके देखोगे तो यही मिलेगा आपको, है ना। तो मैं एक के एक स्क्वायर लगाता हूँ, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बना, अंडर रूट a² - x² का, तो सॉरी इसका समाकलन का, तो समाकलन क्या होता है भाई, इसका अक्ष बटा दो अंडर a² - x² बार बार काम आएगा, फिर बोल रहा हूँ यही फॉर्मूला काम आएगा इस प्रश्नावली में अधिकतर, और प्लस का क्या है भाई a² / 2 साइन इनवर्स अक्ष बटा ए। ठीक है तो सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, और प्लस सी तो आता ही आता है, तो देखो दो तो है ही है, दो तो बार है, अक्ष बटा दो, ठीक है अक्ष बटा दो, अंडर एक की जगह कितना भाई एक, एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक की जगह एक है तो एक का स्क्वायर एक बटा दो, और साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स है, एक की जगह कितना भाई एक है, और प्लस कितना है, प्लस सी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से 1 तक है, तो दो पहले एक रखोगे तो एक रखने पर ये क्या हो गया, 0 हो गया, 0 को इससे गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो बचेगा कितना 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ कितना रखोगे भाई एक रखोगे, और फिर माइनस कोष्टक रखना वाला गलत हो जाएगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, है ना, माइनस लगाने के बाद 0 रखोगे एक, तो कोष्टक रखो, देखो 0 रखने पर ये पूरा ही 0, 0 रखने पर ये 0, साइन का मान 0 का होता है, 0 पर ही होता है। ठीक है तो आ गया ये लो, कितना आ गया भाई 2 × 1/2, और साइन का मान 1 का होता भाई, साइन का मान 1 होता है कहाँ, π/2 पर, 90 डिग्री पर होता है, तो 2 से 2 कट गया, आ गया कितना π/2, इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन ये जो π/2 ये तो केवल इतने का ही तो हुआ है, अंत में अपने को किसका निकालना था, पूरे का निकालना था, तो लिख लेना एरिया ऑफ CABC पूरे का देखना था, तो इसका क्या कर लेना आप, डबल कर लेना, तो कितना आ जाएगा भाई पाई वर्ग इकाई, इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो इस तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं, बाकी मैंने इसको शॉर्ट तरीका बिल्कुल बताया था कि इसका मैंने बताया था कि इस पूरे का कितना होता है, दीर्घवृत्त का जब देखते हो तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट मैंने आपको करवा रखा है, क्या करवा रखा है, क्या करवा रखा है, क्या करवा रखा है, πAB, क्या करवा रखा है मैंने डायरेक्ट πAB, किसका, इस दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का क्या करवा रखा है πAB, तो पाई एक का मान कितना भाई, एक का मान, एक का मान, एक का मान, एक का मान, ये रहा x² / a², तो एक का मान कितना है 1, और y² / b², तो बी का मान कितना भाई 2, तो कितना हो गया 2π हो गया क्या, ये तो किसका है पूरे का, लेकिन ये तो अपना आधा ही तो है, तो आधा करना, तो ये लो 2 का मान लगा दो, तो कितना आ गया भाई पाई आ गया, ये लो आंसर। मेहनत तो नहीं करनी जब क्या हो ऑप्शनल पेपर हो, तो देखो कितना फटाफट आंसर आ जाता है, तो शॉर्ट कट तरीका मैं दोनों सभी चीज़ों का, जिसका भी यहाँ शॉर्ट मेथड होगा तो मैं शॉर्ट मेथड भी साथ में बताते चलूँगा, क्योंकि इतना लंबा करने में कंपटीशन एग्जाम्स जो होती है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे NDA हो, चाहे IIT हो, कोई भी एग्जाम हो, तो अपने को इतना लंबा चौड़ा मेथड लेकर के नहीं चलना है, कि वो शॉर्ट तरीके से अपन सोल्व करेंगे उनको, तो शॉर्ट तरीके में हर एक चीज़ के आपको बता रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी आपके दिक्कत नहीं हो, कुछ प्रश्नावली में अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती शॉर्ट तरीके की, क्योंकि वो शॉर्ट तरीका क्या होता है, कोई ज्यादा विशेष नहीं होता, लेकिन जब इतनी अपने को मेहनत करनी पड़े तो इतनी मेहनत करे क्यों, जब इतना छोटा सा अपना काम हो रहा है, केवल और केवल कुछ सेकंडों का काम है ये, मिनट भी नहीं लग रही, और यहां अपने को कम से कम 5-7 मिनट लग जा रही है सोल्व करने में, तो देखो ये काम अपना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी अपनी बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न अपने को आना ही चाहिए। ठीक है तो देखिए अब अपन आगे सोल्व करते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, y² = 4x। तो पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम, बनाता हूँ डायग्राम, 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 ये लो डायग्राम किधर बनेगा, तो आपको ध्यान होगा यहाँ वाई की घात 2 है, एक्स की घात 1 है, तो जिधर एक्स की जिसकी भी घात 1 होती है उधर ही बनेगा, तो घात 1 किसकी है अपनी, एक्स की है, तो बनेगा किधर, अक्ष की तरफ बनेगा, ये लो बन गया, और अक्ष 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 कौन सा है, ये अपना अक्ष अक्ष, और क्या है x = 2a, x = 2a कहाँ होगा बाद में देखूंगा, पहले देखो नाभि लंब, नाभि कहाँ होगी, पहले नाभि बताओ इसकी, 1, 0, जब y² = 4x होता है तो इसकी नाभि क्या होती है भाई,
ए कोमा जीरो, मतलब यहाँ इसकी ना भी है ना भी ए है, ना भी क्या है ए, तो इसका डबल, डबल कहाँ होगा, यदि ये दो है तो दो का डबल चार आगे होगा, तीन है तो तीन का डबल चार, सॉरी तीन का डबल कितना होता है छः होता है, तो छः कहाँ होगा आगे होगा, तो ये अपना क्या है, ये तो अपना क्या है ना भी लंब, ये हो गया क्या, तो यहाँ जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, इसको बोल सकता हूँ अक्ष बराबर ए बोल सकता हूँ, इसको नाभी पर डाला गया लंब, तो नाभी लंब, और एक अक्ष बराबर कितना है भाई, अक्ष बराबर दे रखा है इसने 2a, अक्ष बराबर कितना दे रखा है 2a, तो सोल्व कर लेते हैं, तो अक्ष अक्ष और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हुआ, या तो ऊपर वाला लीजिए या नीचे वाला लीजिए, ये पूरा तो है नहीं, अरे जब इसने बोल दिया कि अक्ष अक्ष भी दे दिया, हाँ नहीं देता, जब अक्ष अक्ष नहीं बोलता, ये अक्ष अक्ष यहाँ नहीं देता, नहीं देता तो अपने को ये पूरा निकालना होता, केवल ऊपर वाला निकालो और उसका डबल कर दीजिए तो पूरा आ जाएगा, यहाँ अपने अक्ष अक्ष बीच में दे दिया, इसका मतलब क्या, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, एक अपने को पूछा है, तो सोल्व करोगे तो देखो ये लो ये लो ये लो, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करना तो मैंने आपको बताई है कि आप इसको तो क्या लिखोगे भाई dx, इसको क्या लिखोगे भाई y लिखोगे, y तो पूरा है, तो क्या आ जाएगा भाई y dx, लिमिट भी किसकी आएगी y की, अच्छा सॉरी किसकी आएगी लिमिट, x की, dx मैंने लिखा है तो लिमिट भी x की, तो लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक है, तो a से लेकर के कहाँ तक है 2a तक, बस सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, तो सोल्व करोगे तो सोल्व करोगे y का मान पहले रख लेता हूँ मैं, a से 2a तक तो भाई y का मान क्या है, चार का अंडूर तो दो, a का अंडूर नहीं आता तो अंडूर में रह गया, और x का भी क्या लगेगा अंडूर, अरे इसको हटाओगे तो अंडूर लग जाएगा ना, चार का अंडूर तो हो गया दो, a का अंडूर नहीं पता, x का भी अंडूर नहीं पता, तो x के भी अंडूर लगेगा, अंडूर को मैं घात एक बटा दो लिख लेता हूँ, और dx, अब इसका समाकलन करोगे तो दो अंडूर a तो अपने पास है, इसका समाकलन आपको ध्यान में होगा, x की घात एक बटा दो का x की घात तीन बटा दो बटा तीन बटा दो, उल्टा हो जाएगा दो बटा तीन, तो दो बटा तीन में कहाँ ले लेता हूँ, आगे ले लेता हूँ, तो हो गया कितना, ये तो चार बटा तीन अंडूर ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से टू ए तक, तो मैं रख देता हूँ, जब पहले टू ए रखूँगा तो टू ए की घात कितनी भाई तीन बटा दो, माइनस ए रखूँगा तो ए की घात कितनी भाई तीन बटा दो, फिर सोल्व करोगे तो सोल्व में यहाँ कर देता हूँ, जगह 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 कहाँ है, कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, बनाते अपन जगह तो, है ना, जगह बनानी पड़ती है, जगह होती थोड़ी है, तो चार बटा तीन अंडूर ए, मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि इसमें इसमें एक ही घात तीन बटा दो कॉमन आ रहा है, एक ही घात तीन बटा दो कॉमन आ रहा, तो मैं ले लेता हूँ एक ही घात तीन बटा दो कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या, यहाँ से तो बता दो की घात तीन बटा दो, दो की घात तीन बटा दो बचा, तो दो की घात तीन बटा दो का मतलब क्या है, आप तो ये समझो कि घात तीन बटा दो का मतलब एक से एक बटा दो ही तो होता है, एक से एक बटा दो मतलब दो की घात एक भी है और दो की घात एक बटा दो भी है, तो दो तो पूरा और इसका मतलब अंडूर दो है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई दो अंडूर दो, यहां बचा कितना दो की घात तीन बटा दो बचा, तो उसको मैं क्या लिख लूंगा दो अंडूर दो, और माइनस यहां से ये पूरा ही ले लिया, एक ही घात तीन बटा दो ले ही ली, कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और कितना हो गया, अब यहां से जब देखोगे, यहां से जब देखोगे तो आ गया कितना, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, तो चार बटा तीन, हाँ अंडूर ए तो है ही है, आपको ध्यान है कि इसको क्या लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे ए अंडूर ए लिखोगे, इसी की तरह जब दो की घात तीन बटा दो थी, जब दो की घात तीन बटा दो को मैंने क्या लिखा दो अंडूर दो, इसका मतलब एक ही घात तीन बटा दो को क्या लिखोगे ए अंडूर ए, और जो पड़ा है वो पड़ा रहने दो, दो अंडूर दो माइनस एक, तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई चार बटा तीन, गुणा करोगे अंडूर ए को अंडूर ए से, तो ए ए गुणा ए ए स्क्वायर, तो ये आ गया भाई अपना आंसर, किस में आएगा भाई वर्ग इकाई में, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को ठीक रखनी पड़ेगी, वरना मामला क्या हो जाएगा भाई गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन में अपने को गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अपन अरे पांचवी छठी क्लास से क्या करते आ रहे हैं, कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, घात घातांक पढ़ते आ रहे हैं, तो उनमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी कल करेंगे अपन इसके आगे के जो शेष उदाहरण रह गए हैं उनको हल करने वाले हैं।